मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे वो तो हमसे ले ही लिए गए हैं, और बायो के भी वो अलग से पढ़ा रहे थे वो भी हमको हमसे छीन लिए गए हैं। ये क्या तरीका हुआ? हम रेपुटेशन के लिए टीचर हमारे से छीन लिए गए हैं। 5 टीचरों की पोस्ट है जो हमारे स्कूल में अब खाली हो गई है। अब हम कैसे पढ़ें? केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और बायो भी रह गई है, और प्लस वन और नाइन्थ किसी की सब क्लासों के, 4 क्लासों के हमारे अब किसी भी टीचर नहीं रहे हैं। तो हम अब मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि हमारे टीचरों को वापस लाए। धीरज सिंह महारुद्रा आज गांव गोरीवाड़ा की उप तहसील के अंदर पड़ते गांव कालुवाना में है। यहां पर समस्या ये है कि हम इस समय खड़े हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालुवाना के आगे। यहां जैसे ही पता लगा कि पूरी ग्राम पंचायत, ये सरपंच साहब खड़े हैं, मेंबर साहब खड़े हैं, और उसके साथ साथ सारे स्कूली बच्चे, बच्चों को दिखाओ जरा, सारे बच्चों को, हाँ आप दिखाओ, सारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो बच्चे यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। ये देखिए इधर बच्चियाँ भी धरने पर बैठी हुई हैं, दिखाइए। तो कारण क्या है, ये लोग धरने पर क्यों बैठे हैं बच्चे? जब इनको क्लास में पढ़ाने वाला कोई टीचर ही नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो धरने पर ही बैठेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि 12 सीट तो पहले खाली पड़ी थी, और उसके साथ साथ कोई स्वीपर की, कोई चौकीदार की और माली की पोस्ट थी वो भी खाली थी। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जितने भी लोग थे, टीचर थे, उनमें से 5 टीचर का अचानक क्या किया गया, तबादला या डेपुटेशन पे भेज दिया गया, किसी को खारिया भेज दिया जाता। लिस्ट दीजिए, वो लिस्ट ये देखिए, ये मेरे हाथ में लिस्ट है, ये लिस्ट है। इस लिस्ट में क्या है ये देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि तृप्ता जी मैडम थे जो जेबीटी टीचर हैं जीपीएस कालुवाना के अंदर, उन्हें डेपुटेशन करके डब्वाली भेज दिया गया है। अनुसुईया जेबीटी टीचर हैं, उनको जीजीपीएस में, उनको कालुवाना से खारिया भेज दिया गया है। नरेश कुमार जी डीपी हैं, उनको जीएसएसएस कालुवाना से खारेका भेज दिया गया है। उसके बाद में नरेश जी को कालुवाना भेज दिया गया। उसके बाद में राजीव जी हैं जो चौटाला से आते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। देखिए वेतन एक सब्जेक्ट का मिलता है टीचर को, और वो दो दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, क्या उनकी सेवा में कोई कमी थी? बच्चे जब पूर्ण संतुष्ट हैं उनसे, लेकिन फिर भी उनकी डेपुटेशन करके, उनका तबादला करके उन्हें भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? अहमदपुर दारेवाड़ा। मैं दारेवाड़ा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पूरा स्टाफ क्यों नहीं दिया जाता दारेवाड़ा में और कालुवाना में, या यहाँ पढ़ते सभी गाँवों के अंदर पूरा स्टाफ अगर सरकार दे तो बच्चों को कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ बंटी मैडम थे जो एग्रीकल्चर विषय पढ़ाया करते थे, उनको डिंग मंडी डेपुटेट ये कर दिया गया है, डेपुटेशन पे भेज दिया गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, प्रिंसिपल की सीट यहाँ पे वीकेंट है, पीजीटी हिंदी की सीट भी वीकेंट है, खाली है, पीजीटी इंग्लिश की सीट जो है वो भी खाली है, और पीजीटी इंग्लिश मैथ जो है वो भी खाली है, इंग्लिश भी खाली है, पीजीटी संस्कृत भी खाली है, पीजीटी फाइन आर्ट्स की है वो भी खाली है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है वो भी खाली है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की सीट भी खाली है, पीजीटी एसएस की सीट है वो भी खाली है, पीजीटी इंग्लिश है वो भी खाली है, पीजीटी पंजाबी है वो भी खाली है, और टीजीटी चित्रकला की जो एक सीट है वो भी खाली है। उसके बाद में चौकीदार, माली और स्वीपर, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये सारी सीटें खाली हैं, ये सीटें खाली हैं, और इनको जो यहाँ पे स्टाफ था उसको डेपुटेशन करके बाहर भेज दिया गया है। आखिर सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, लेकिन ये मेरी बेटियां, ये हमारे समाज की जो बेटियां हैं वो कहाँ जाएंगी, वे कहाँ पढ़ेंगी, क्योंकि उनकी शिक्षा आज अधर में लटक चुकी है। अगर स्टाफ यहाँ पर होता तो ये ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के मौजूद लोग, गाँव के और सरपंच साहब यूं ना बैठे होते। आज ये सब यहाँ पे बैठने को मजबूर है। कारण क्या है कि कालुवाना गाँव के अंदर यहाँ पर स्टाफ ना होने के कारण बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। आप बताइए सरपंच साहब, पूरा विषय बताइए। राम राम जी। विषय यही है जी, हमारे गांव के जो स्टाफ है स्कूल में, इनका डेपुटेशन कर रहे हैं, तो अभी इसी महीने 5 स्टाफ का डेपुटेशन कर दिया है। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, उपायुक्त महोदय से यही मांग करते हैं कि हमारा जो स्टाफ है वो हमें वापसी दिया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। काफ़ी दिनों से स्कूल का जो भी स्टाफ है हर चेंज कर रहे हैं, अभी और भी स्टाफों की बात चल रही है, इनको भी चेंज करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चों का हक है वो हमें दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और आज सुबह से ये बच्चे हमारे आने से पहले ही, 8 बजे से पहले ही यहाँ बैठ के धरने पे, इन्होंने समझाया भी स्टाफ नहीं है, तो हम ग्राम पंचायत भी आई, सारा गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो,
और बच्चे पढ़ने वाले हैं, होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है, तो इनका भविष्य खराब ना हो। सरकार से यही अपील है कि हमारा जो हक है हमें दिया जाए और बच्चों को इनका स्टाफ पूरा किया जाए। ये देख सकते हो आप भी एक एक गांव में 19-19 पोस्ट खाली है, तो क्या करेंगे बच्चे अगर यहाँ खाली अगर आके बैठना ही है तो फिर फायदा क्या हुआ? 20 होगी जी। हाँ, टोटल अभी 20 पोस्टें खाली हो चुकी है। अगर यही हाल रहता है तो हम ये धरना परमानेंट रखेंगे और हम यही चाहते हैं कि अगर हमारा स्टाफ पूरा नहीं हुआ तो हम आगे भी ये धरना जारी रखेंगे। धन्यवाद मेंबर साहब। आप आओ, आओ, बोलो, 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 बात रखो ना अपनी, मीडिया से लोग देख रहे हैं, बोलो। जो ये हमारे गांव में डेपुटेशन पर भेजे हैं टीचर, उनको जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए और जो खाली पद है उनके ऊपर भी विचार किया जाए, और अगर ये नहीं होता है तो ये धरना हमें विवश होकर लंबा चलाना पड़ेगा और प्रशासन से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मेरा यही कहना है कि प्रशासन जागे और हमारे यहाँ टीचर पूरे करें। मैं मुख्यमंत्री से इतना कहना चाहूँगी कि हमारे राजीव सर को हमारे स्कूल में वापस भेजा जाए, उनकी वजह से हमारी पढ़ाई में काफ़ी रुकावटें आ रही है, और सोनलाल सर है जो हमें केमिस्ट्री पढ़ा नहीं, पर एकदम से उनसे समझ भी नहीं आएगा और इतनी क्लासों को वो मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, उनके दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, इसलिए हमें राजीव सर को वापस लाना है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा है। आप भी हमारे सहयोग दीजिए। धन्यवाद।